हेलो एवरीवन uh, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर का नाम है इलेक्शंस इंडियन पॉलिटी जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो चल रही है हमारी पार्ट नंबर टेन है पॉलिटिकल डायनेमिक्स एंड चैप्टर नंबर जो है वो है हमारा सिक्सटी फाइव तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आ, बता दूँ कि इसमें हमारे पास जो आ, फर्स्ट आएगा वो है इलेक्शंस ठीक है तो इलेक्शंस के अंदर हम पहले जो बात करेंगे वो है इलेक्टोरल सिस्टम तो स्टार्ट करते हैं अपना ये जो हमारा आर्टिकल है वो थ्री ट्वेंटी फोर से लेके 329 थ्री ट्वेंटी नाइन जो कि पार्ट हमारा फिफ्टीन के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये कवर होता है एंड इसके अंदर कुछ प्रोविजंस बता रखे हैं वो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या है तो जो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल Uh, 324 के तहत हमें ये प्रोवाइड करता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो होगा जो कंडक्ट करवाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंट्री के अंदर तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हुई उसके बाद ये जो है इसको पावर दी गई है कि सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट अब किन किन के इलेक्शन uh, इनको करवाने होते हैं पार्लियामेंट के ठीक है स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये करवाता है ठीक है और स्टेट वाले जो होते हैं वो स्टेट आ, के स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है ठीक है एट प्रेजेंट जो कमीशन है ना उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस टू इलेक्शन कमीशन ये हमने जो इलेक्शन कमीशन वाला जो चैप्टर है उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया अभी आपको ये आर्टिकल जो है थ्री ट्वेंटी फोर याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोवाइड कर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है देर इज ओनली ओनली वन जनरल इलेक्टर रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कंसिस्टेंसी फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ये आपको याद रखना है कि ओनली वन इलेक्टोरल रोल है इनके लिए ठीक है ठीक है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एबॉलिश सिस्टम ऑफ द कॉम्यूनियल रिप्रेजेंटेशन जो कि मतलब आ, हमारे ब्रिटिशर्स ने जो है वो स्टार्ट किया था कॉम्यूनियल रिप्रेजेंटेशन उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश कर दिया है और साथ ही साथ में जो सेपरेट इलेक्टोरल इलेक्ट्रेट्स थे ठीक है जो जिसने आगे चल के पार्टीशन ऑफ द कंट्री का भी काम किया था इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एबॉलिश कर दिया है ख़त्म कर दिया है अभी हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है ना वो इज़ टू बी इन एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और एनी ऑफ टैम ठीक है कोई भी पर्सन इन एलिजिबल है अगर अगर कुछ इन कंडीशंस के लिए uh, उन, इसके कंडीशंस पर इलेक्टोर रोल को लेके देख रहा है ठीक है तो सभी के लिए ये इलेक्शन होते हैं ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर कास्ट वगैरह के लिए हो ठीक है फर्दर नो पर्सन कैन क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन एनी स्पेशल इलेक्टोरल किसी भी कॉन्स्टिट्यूंशन के अंदर किसी भी ग्राउंड के ऊपर जैसे कि ये वाले जो ग्राउंड हमने जो है वो डिस्कस कर और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी की बात करता है ठीक है कि सबका हक है यह डालने का वोट डालने का टू एवरी सिटीजन इन द मैटर ऑफ द इलेक्ट्रल फ्रेंचाइज फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो इलेक्शंस है जो कि है लोकसभा के ठीक है इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज़ ये किसके बेस पे होते हैं आपके एडल्ट uh, फ्रेंचाइज के बेस पे एंड जितने एवरी पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 18 इयर्स का है ठीक है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है एंड प्रोवाइडेड ही इज नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिस्टेंट मतलब कि उसको मतलब इंडिया का रेजिडेंट uh, होना जरूरी है ठीक है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए उसका ठीक है क्राइम क्रिमिनल नहीं होना चाहिए करप्ट नहीं होना चाहिए अगर ये चीज़ें हैं फिर तो नहीं वोट डालने के लिए वोट रेडी लेकिन अगर ये चीज़ें उसमें नहीं है अगर वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को क्वालिफाई करता है तो वो वोट डालने के लिए बिल्कुल सक्षम है ठीक है उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे हम चलते हैं अब फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि पार्लियामेंट ने प्र, ये प्रोविजन बना रखे हैं आ, कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाने हैं कैसे मतलब कि कंडक्ट करवाने वा, वाला तो काम ईसी देखता है ठीक है लेकिन पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन डिफाइन कर रखे हैं कि ऑल मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रो रोल मतलब इलेक्ट्रो रोल को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखिए पार्लियामेंट ने प्रोविजन बना रखे हैं उसके बाद डिलिमिटेशन होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वो कैसे करनी है वो भी प्रोविजन इसके द्वारा जो है वो डिफाइन किए गए हैं उसके बाद जितने भी मैटर रिलेटेड टू होते हैं सिक्योरिटी सिक्योरिंग देयर ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो भी सारा इसके अंडर ही है और पार्लियामेंट ने कुछ लॉज वगैरह भी बना रखे हैं वो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं तो ए हमारा आता है रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो कि 1950 का है इसके अंदर क्या है ये प्रोवाइड करता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वोटर की ठीक है प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल की उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बाद डिलिमिटेशन ऑफ Uh, ये हमने अभी देखा था ये पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करता है और कितनी सीट्स जो है वो एलोकेट करनी है पार्लियामेंट के अंदर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये सारी चीजें किसके अंदर लिखी गई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एंड 1950 के अंदर उसके बाद सेकेंड नंबर के पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि हमारा है नाइनटीन का विच प्रोवाइड द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कि एक्चुअल में uh, कैसे जो है वो इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाने हैं कैसे डील करना है विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ठीक है उसके बाद पोल्स uh, कैसे डिसाइड करने हैं इलेक्शन ऑफेंसेस होते हैं उसको कैसे देखना है इलेक्शन डिस्प्यूट कोई आ गया उसको कैसे देखना है बाई इलेक्शन uh, कैसे करवाने हैं अगर बीच में uh, जो है वो सरकार टूट वगैरह जाती है उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो कैसे करना है सिम्बल कैसे देने ये सारा कुछ किसके अंदर लिखा गया है रिप्रजेंटेटिव पीपल है नाइनटीन के अंदर की एक्चुअली में क्या क्या चीजें जो है वो कैसे कैसे करवानी है नेक्स्ट इसके अंदर ही मैं यहीं पे लिख देती हूँ तीसरा पॉइंट जो कि सी पॉइंट है हमारा वो है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ये कब आया था 1952 के अंदर जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स कि कितनी सीट्स किस आ, आ, को मिलनी चाहिए स्टेट्स को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है ये वैसे ठीक है डिलिमिटेशन एंड द रिजर्वेशन और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड उससे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे वो इसके अंदर आएंगी अभी ये हमारा जैसे फिफ्थ पॉइंट था ना अभी हम सिक्स पॉइंट पे चलते हैं सिक्स uh, पॉइंट हमारे पास ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोविजन बनाएगा सभी मैटर्स जो कि रिलेटेड होंगे इलेक्शन के स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए ठीक है जिसके अंदर सारे आपके पास इलेक्टोरल रोल्स आ जाएंगे कि कैसे उनकी प्रिपेयर uh, करना है ठीक है ये सब कुछ आ जाएगा तो ये हमने बात की स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविज़न बनाएगा जो भी जितने भी मैटर रिलेटेड टू द होंगे इलेक्शन के किससे रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर के ठीक है कैसे आ, आ, सब कुछ प्रिपेयर करना है उसके बाद बट दे कैन मेक प्रोविजन ओनली फॉर दोज मैटर विच आर नॉट कवर बाय द पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट कवर नहीं करेगा सिर्फ ये वही कवर करेंगे ये वही प्रोविज़न बनाएंगे बाकी तो पार्लियामेंट प्रोविजन बना ही देता है ठीक है अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए ये सप्लीमेंट का काम करता है अगर पार्लियामेंट से कुछ रह गई हैं चीज़ें तो ये सप्लीमेंट उसमें एडिशन करके कुछ बता सकता है ठीक है लेकिन पार्लियामेंट को ओवर नहीं कर सकता मान लीजिए पार्लियामेंट ने कुछ चीज़ें बताई ठीक है और स्टेट लेजिस्लेचर कही कि ये वाली तो नहीं अप्लाई होंगी हम हमने जो प्रोविजन बनाया वो अप्लाई होंगे तो ऐसा नहीं करना पार्लियामेंट को ओवर नहीं करना ठीक है और कुछ सप्लीमेंट आप एडिशन कर सकते हैं सेवन्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन

वो अगर आ, कोई ऑर्डर बना देती है कि ये एरिया इसकी इतनी सीट्स है तो क्या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं तो बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है अभी एट पॉइंट देख लेते हैं हम क्या है तो एट पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले डाउन करेगा दैट नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पटिशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन मैनर दैट प्रोवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर जैसे कि 1966 से ही चलता आ रहा है कि इलेक्शन पटिशन जो हैं वो ट्राइबल है बाय द हाई कोर्ट एलोन लेकिन जो एपीटाइटिक्शन है लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट एलोन तो ये चीज़ Uh, जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 323 बी है वो एम्पावर करता है लेजिस्लेचर को uh, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल वाला चैप्टर हमने पहले जाके आप देख सकते हैं फॉर दूडिस्टिक्शन ऑफ द इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो ट्राइब्यूनल को जो है वो फॉर्म किया जा सकता है जो कि आर्टिकल 323 बी के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइडेड है ये प्रोवाइड करता है कि कैसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं एक्सक्लूजन ऑफ जोडिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स इन सच डिस्प्यूट्स ठीक है उसके बाद मतलब कोर्ट्स को बाईपास करके हम एक ट्राइब्यूनल बना देंगे जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा सो uh, फॉर so अभी तक जो है ऐसा कोई ट्राइब्यूनल जो है वो स्टेब्लिश नहीं हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए क्या कोई ट्राइब्यूनल अपॉइंट uh, हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं ये चीज ध्यान रखनी है आपने और इट मस्ट बी नोटेड कि एक केस है जिसका नाम है चंद्र कुमार केस जो कि 1997 के अंदर आया था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल uh, है ठीक है एंड इफ एट एनी टाइम एंड इलेक्शन ट्राइब्यूनल इज एस्टेब्लिश एन अपील फ्रॉम इट्स डिसीजन लाइक टू द हाई कोर्ट पहले तो ये बोला गया uh, कि हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में आप uh, क्या जाना है ट्राइब्यूनल ही बना देते हैं बस वही डिसाइड कर लेगा इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेकिन चंद्र केस के अंदर ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको uh, बाईपास कर दिया गया और बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आ, कि अगर कुछ भी ऐसे डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं तो आ, हाई कोर्ट में ज, जा सकते हैं आप मतलब पहले क्या होता था कि अगर ट्राइब्यूनल ने कुछ सुना दिया डिसीजन वगैरह ठीक है तो अगर आपने उस डिसीजन को जो है ना चैलेंज करना है तो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे आप लेकिन इस केस के थ्रू आपको हाई कोर्ट से होके मतलब पहले हाई कोर्ट में जाना है फिर ही वो सुप्रीम कोर्ट में आप डाल सकते हैं डायरेक्टली हाई कोर्ट में सॉरी सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते ठीक है इसके बाद कुछ और तीन लॉज हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या है तो द अदर लॉज एंड रूल्स इन रिस्पेक्ट टू इलेक्शन आर कौन कौन से हैं प्रेजिडेंशियल एंड द वाइस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन एक्ट जो कि नाइनटीन फिफ्टी टू के अंदर आया था उसके बाद सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट जो कि नाइनटीन सिक्सटी थ्री के अंदर आया था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो कि नाइनटीन नाइन्टी वन के अंदर आया था फोर्थ uh, वाला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो कि आपका 1991 के अंदर आया था उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स जो कि 1950 के अंदर आया था एंड सिक्स है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल्स जो कि 1960 के अंदर आया था एंड सेवन्थ है हमारे पास कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो कि 1961 के अंदर आया था ये क्रोनोलॉजिकली हैं एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा लेकिन ये वाले जो है ये थोड़े अलग है ये uh, क्रोनोलॉजिकली नहीं है बट वैसे ही ये बताए गए हैं कि कैसे कैसे ये रिलेटेड uh, टू है इलेक्शंस तो ये चेकआउट कर लीजिएगा एंड इलेक्शन कमीशन जो है वो इशू करता है इलेक्शन सिंबल्स ठीक है uh, किसके अंडर एक एक्ट है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर जो कि 1968 के अंदर आया था ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्शन मशीनरी जिसके अंदर ये हमारे पास सब टॉपिक्स है एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं ठीक उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले हमारे पास आता है जो कि आर्टिकल आपका 324 कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको आ, आ, उसके अंडर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये है कि बन होगा ठीक है एंड उसको पावर है सुपर सुपरिटेंडेंट्स की डायरेक्शन की कैसे कंट्रोल करना है जब इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं लोकसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बली के और जो इलेक्शन कमीशन है वो एक थ्री मेंबर बॉडी है अभी ये सब कुछ मैंने पहले बताया था कि पहले मल्टी मेंबर थी फिर कैसे सिंगल मेंबर हो गई ऐसे करके ये सारा डिस्कस किया हुआ है प, पुराने वीडियोज में जाके और अभी आपको एट प्रेजेंट जो है वो याद रखना है कि थ्री मेंबर बॉडी है ठीक है अभी थ्री मेंबर बॉडी के अंदर पहला जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू जो है इलेक्शन कमिश्नर और जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है इनको मतलब चीफ इलेक्शन वाले को भी एंड टू इलेक्शन कमिश्नर को भी इसमें याद रखना है सेकेंड हम बात करते हैं सीईओ की जो है चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर ये जो है ये अथोराइज करता है कि ये सुपरवाइज करेंगे ठीक है जो इलेक्शन का काम हो रहा है स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर एंड सभी ओवरऑल सुपरटाइजर डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन भी ये देखेंगे और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो नॉमिनेट करेंगे एंड डेजिग्नेट करेगा एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी एज द सी तो इसको कौन अपॉइंट करेगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सी ई आई जो है ई सी आई है जो वही इनको अपॉइंट करेंगे किसके साथ मिल अपॉइंट करेंगे स्टेट के अंदर हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहे हैं तो उसके साथ मिलके ये सी को अपॉइंट करेंगे काम उनका सेम ही होगा और हेल्प भी करेंगे उनकी डी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ आ, मतलब वो नहीं करना मैच uh, मत कर देना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का काम भी सेम ही होता है सुपरिनटेंडेंस so करना डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उसके बाद uh, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो सुपरवाइज़ करेगा इलेक्शन वर्क डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसा चल रहा है ठीक है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे मान लीजिए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है ठीक है हरियाणा के अंदर तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो देखेगा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में कैसा काम चल रहा है अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है ये सब कुछ सारी चीज़ें ये देखेगा और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करेगा इसको ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कंडक्ट करवाएंगे इलेक्शंस को और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसके साथ मिलके ये करेगा स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्ट करके किस को अपॉइंट करना है एज अ एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसके अब हम बात कर लेते हैं रिटर्निंग ऑफिसर की तो इसके अंदर क्या है रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ठीक है कि कैसे इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट करवाना है इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कंसर्न उसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो नॉमिनेट करेंगे और डेजिग्नेट करेंगे इनको मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर ईच असेंबली हर एक असेंबली के लिए और एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किसके साथ मिलके uh, मतलब जो सी ई uh, सी आई किसके साथ मिलके ये करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन एडिशन ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करेंगे वन मोर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यून टू असिस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर मतलब ये भी आपको याद रखना है कि रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भी जो है अपॉइंट किया जाएगा ताकि ये इनकी हेल्प कर सके और परफॉर्मेंस जो है इलेक्शन कंडक्ट कराने की वो अच्छे से हो सके कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इनको अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ई आर ओ तो ये है जो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट्री एंड असम्बली कॉन्स्टिटुंसी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो कंसर्न किसके साथ करके स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट के साथ आ, मतलब बातचीत करके जो है इसको अपॉइंट करता है एज एन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करता है असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ताकि इनके काम को जो है वो इजी ढंग से किया जा सके और ये इनकी जो है वो हेल्प कर सके और इनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े एंड जो फंक्शनरी है वो इजीली चल सके उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर आते हैं हमारे पास पीओ तो ये जो है ये हेल्प करते हैं पोलिंग ऑफिसर्स को ठीक है कंडक्ट करवाने के लिए जो कि पोल्स एट प्रजाइडिंग ऑफिसर्स एंड द पोलिंग ऑफिसर्स ठीक है इन केस यूटीज ये जो अपॉइंटमेंट uh, होती हैं ये किसके द्वारा की जाती हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा मतलब रिटर्निंग यूटीज के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स इनको अपॉइंट करते हैं और uh, दूसरी स्टेट्स के अंदर कौन इनको मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है डी ओज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है वो कौन अपॉइंट करता है डी ईओज स्टेट्स के अंदर ठीक है एंड यूटीज के अंदर कौन इनको आ, करता है रिटर्निंग ऑफिसर्स इन द केस ऑफ यूटीजमेंट आर मेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर ये चीज आपको ध्यान रखनी है इससे एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वर्स ये कौन होते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितने ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं ये सही ढंग से करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे एंड ये रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू द कमीशन कि किस तरीके से कंडक्ट करवाई जा रहे हैं परफॉर्म हो रहे हैं फंक्शन ऑफ़ द इलेक्शंस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कि अब कैसे कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं वो अभी ये दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं पॉइंटर्स लेकिन है छोटे छोटे से ही देख लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहला हमारा आता है टाइम ऑफ द इलेक्शन तो इलेक्शन जो है लोकसभा का और फॉर द लोकसभा एंड एवरी स्टेट लेजिस्लेचर वो क्या है हमारे पास पाँच साल में मतलब लोकसभा के इलेक्शन हमें कंडक्ट करवाने होते हैं एंड जैसे ही मतलब ये पता चले कि टाइम पाँच साल ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले ही बिफोर ही जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा लिए है जाते हैं ताकि जो गैप है वो क्रिएट ना हो एंड इफ़ द गवर्नमेंट कैन नो लॉन्गर कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा एंड इफ देर इज नो आल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल टू टेक ओवर इसलिए ये पहले ही कंडक्ट करा लिए जाते हैं एंड एवरी फाइव ईयर ये है जो है कंडक्ट कराए जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन इसके अंदर वैन दाइव ईयर लिमिट जो है वो पूरी हो जाती है तो लोकसभा को जो है वो डिजोल्व लेजिसलेचर को डिजोल्व कर दिया जाता है एंड न्यू इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एंड जो मशीनरी है वो सारी जो हमने पड़े हैं इलेक्शन मशीनरी के द्वारा ये कंडक्ट करवाए जाते हैं ये इस चीज का ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए ये लोकसभा का जो मतलब पुराने वाली गवर्नमेंट है और ये न्यू वाली गवर्नमेंट है ओल्ड न्यू इसके बीच में छह महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए ठीक है इनको मतलब नेक्स्ट सेशन जो है बिटवीन द सिक्स मंथ जो है वो सिक्स मंथ के बाद या फिर उससे पहले जो है वो ज्वाइन करना जरूरी है ठीक no so, uh, है पढ़ भी देती हूँ देर कैन बी नो लॉन्गर देन द दिक्कस मंथ बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिजोल लोकसभा एंड रिकॉलिंग ऑफ द न्यू हाउस सो इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड बिफोर द टाइम पीरियड इसीलिए पहले ही करवा लिए जाते हैं उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है फॉर गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज वो भी इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाता है जैसे ही अनाउंसमेंट uh, होती है इलेक्शंस की ठीक है और जो शेड्यूल है इलेक्शंस का कि कब होंगे कैसे होंगे वो सब कुछ कमीशन जो है वो पहले ही बता देती है अ फ्यू वीक्स बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा उसके बाद जो फॉर्मल प्रोसेस इलेक्शन का स्टार्ट होता है नोटिफिकेशन uh, जो है वो दे दी जाती है कि इस डेट से जो है इलेक्शंस होंगे एंड उसे पहले जो है वो सभी जो कैंडिडेट्स फाइल करते हैं नॉमिनेशन तो उनकी स्क्रूटनी वगैरह की जाती है किसके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा ठीक है एंड एक वीक के अंदर अंदर ये चीज़ मतलब स्क्रूटनी जो है वो कंप्लीट हो जाती है जो वैलिड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना कंटेस्ट कर सकते हैं विद इन टू डेज के अंदर एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स गेट एटलीस्ट टू वीक फॉर द पोलिटिकल कैंपेन बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द पोल तो ये चीज़ या, याद रखनी है कि टू वीक्स होते हैं इनको कि ये कंपेनिंग कर सकते हैं कि हमें जितवाइए ठीक है एंड ऑन द अकाउंट ऑफ द वास्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेशन क्योंकि साइज जो है मैसेव साइज है ऑफ इलेक्ट्रल एंड पोलिंग इज हेल्ड ऑन द डे द नंबर ऑफ द डेज फॉर द नेशनल इलेक्शन एक सेपरेट डेट जो है वो काउंटिंग के लिए फिक्स की जाती है एंड रिजल्ट के लिए ताकि किसके द्वारा की जाती है बाय द कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर उसके बाद जो कमीशन होता है वो कम्पलीट लिस्ट निकालता है मेम्बर्स की जो कि इलेक्ट होते हैं एंड नोटिफाई करता है फॉर ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ एंड प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ लोकसभा एंड गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव देन कन्वीन देअर रिस्पेक्टिव हाउसेस टू टोल देयर सेशंस ठीक है तो ये सारा कुछ हमने देखा शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है ओथ एंड अफर्मेशन कि कैसे इनको ओर्थ दिलवाई जाती है ठीक है तो ये काफ़ी कैंडिडेट के लिए कि टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओर्थ और एफॉर्मेशन uh, जब वो एंट्री लेता है और ये किसके द्वारा ओर्थ दिलवाई जाती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाय इलेक्शन कमीशन ठीक है उसके बाद पर्टिकुलर uh, इलेक्शन के अंदर इन एनी पर्टिकुलर इलेक्शन द अथोराइज पर्सन आर कौन कौन होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर हो गया आपका असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो गया फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी केस जो कैंडिडेट है वो कन्फाइंड है इन प्रिजन के अंदर और अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन है जो सुपरिटेंट होता है ऑफ प्रिजन और कमांडेंट ऑफ द डिटेंशन कैंप इन विच ही इज़ सो कन्फाइंड और इज अंडर सच डिटेंशन इज ऑथोराइज और टू द एडमिनिस्ट्रेट तो वही उसको फिर ओथ दिलवाएगा ठीक है जो उसका कमांडेंट होता है उसके बाद इन द केस जो कैंडिडेट है वो कन्फाइंड टू अगर वो हॉस्पिटल में है बेड रेस्ट पे है ठीक है तो उस केस अगर कोई उसको इलनेस वगैरह है तो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जो होगा इंचार्ज हॉस्पिटल का उस टाइम पे वो उसको ये जो है करवाएगा ठीक है उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट जो है आउट ऑफ इंडिया ही है तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट एम्बेसडर है सॉरी इंडियन एम्बेसडर है या फिर आपके पास हाई कमिश्नर है और डिप्लोमेट्रिक काउंसलर है वो अथोराइज करेगा बाई ही कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर ऑर्थ अफॉर्मेशन वो करवा सकता है और जो पर्सन है कोई ठीक है इन अ पर्सन द कैंडिडेट इन पर्सन इज रिक्वायर टू मेक द इमीडिएटली आफ्टर द प्रजेंटिंग हिज नॉम नॉमिनेशन पेपर और इन यानी किस नॉट लेटर दैन द डे प्रीवियस टू द डेट ऑफ द स्क्रूटनी ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्शन कैंपेन्स तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो है एक टाइम पीरियड दिया जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज है अपना कैंडिडेट उतारती हैं एंड वो परसू करती हैं लोगों को कि उन्हें वोट दिया जाए उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया जाए एंड कैंडिडेट्स आर गिवन अ वीक Uh, to पुट फॉरवर्ड दिस नॉमिनेशन एंड उनको scrutiny कौन करता है सेम रिटर्निंग ऑफिसर एंड अगर कुछ ऐसा पाया गया कि uh, उनको रिजेक्ट करना है तो वो भी ये कर देते हैं वैलिडिटी नॉमिनेटेड कैंडिडेट कैन विदड्रॉ विद इन टू डेज आफ्टर नॉमिनेशन हैव बीन स्क्रूटनाइज अगर स्क्रूटनी में कुछ गलत पाया गया तो टू डेज के अंदर विदड्रॉ कर सकते हैं वो जो ऑफिशियल कंपेन्स हैं कि वो uh, एटलीस्ट टू वीक तक कर सकते हैं एंड मान लीजिए इस डेट को जो है वो डाला जाएगा तो उससे जो है फोर्टी एट आवर्स पहले जो है वो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी कि आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते तो ये फोर्टी एट आवर्स जो है ये आपको याद रखना है एटलीस्ट टू वीक्स का जो है वो आपको टाइम मिलता है कि आप कैंपेनिंग कर सकते हैं ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सब कुछ कौन देखता है इलेक्शन कमीशन कि कैसे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ठीक है लड़ाई झगड़ा ना हो जाए इन कैंपेन्स के अंदर ठीक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो बताई जाती है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो अपने कैंडिडेट्स को बताने है कि किस किस हिसाब से कैंपेनिंग करनी है ठीक है और हेल्दी लाइंस पे होनी चाहिए क्लैश नहीं होने चाहिए नहीं होने चाहिए और जो है पीस बना के रखना है हमने ठीक है उसके बाद ये जो गाइडलाइंस हैं इनको भी इनको जो है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदरवाइज क्लैश होने के चांसेस होते हैं एक बारी जो है इलेक्शन कॉल्ड हो जाते हैं जब तो पार्टीज जो हैं वो अपने मैनीफेस्टोज जो है वो, वो इशू कर देती हैं एंड डिटेल बताती हैं प्रोग्राम्स की कि वो कैसे काम करेंगे अगर वो इलेक्ट होके गवर्नमेंट में इलेक्ट होके आ जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ बताते हैं लीडर्स की ठीक है कि हमारे लीडर्स ने ये किया ये किया ठीक है उसका फेलियर्स ऑफ द अपोजिंग पार्टी सामने वाली जो पार्टी जो खड़ी होती है उनके बारे में बताते हैं कि वो किन किन चीज़ों में फेल रही है इसलिए हमें वोट डाली ये सब कुछ ठीक है उसके बाद स्लोगन्स जो है वो नारे वगैरह लगाए जाते हैं पैम्पलेट छपवाए जाते हैं पोस्टर्स छपवा जाते हैं कि इनकी पार्टी को जो है वो वोट मिले ज़्यादा से ज्यादा ठीक है और रैलीस मीटिंग्स वगैरह करवाई जाती हैं एंड जो सपोर्टर्स होते हैं उनको और एंथोसाइज किया जाता है कि वो और लोगों को भी लेके आए हमें वोट डालने के लिए और जो, जो ये दूर दूर तक रैलियाँ करते हैं तो ये सब कुछ इनके अंदर आ जाता है इलेक्शन कंपेन्स के अंदर अब हम बात कर लेते हैं पोलिंग डेज की तो पोलिंग डेज नॉर्मली जो है हेल्ड ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट डेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसिस टू अनेबल द सिक्योरिटी फोर्स एंड दोज मोनिटरिंग द इलेक्शन टू कीप द लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योर द वोटिंग ड्यूरिंग द इलेक्शन इज़ फेयर मतलब uh, जो पोलिंग डेज होते हैं वो भी uh, डिफरेंट डेज के ऊपर रखे जाते हैं कि ये भी नहीं कि सेम डेज पे रखे जाएँ ठीक है मतलब अलग भी हो सकते हैं उसके बाद बैलेट पेपर्स एंड सिंबल्स की बात करते हैं बैलेट पेपर्स जो हैं वो पहले हुआ करते थे अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं ठीक है ई एम जिसको बोलते हैं आ, लेकिन पहले जो थे वो बैलेट पेपर चलते थे ठीक है उसके अंदर क्या होता था एक लिस्ट ऑफ कंपीटिंग कैंडिडेट्स जो है वो प्रिपेयर की जाती थी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट करवाए जाते थे और जो बैलेट पेपर प्रिंट करवाए जाते थे उसके अंदर कैंडिडेट का नाम लिखा जाता था सिम्बल्स है जो कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं वो भी छपवाए जाते थे ठीक है और कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टीज आर एलोटेड देयर पार्टी सिंबल्स और सिंबल्स भी जो हैं वो कैंडिडेट्स को दिए जाते थे एंड वो प्रिंट भी करवाए जाते थे वोटिंग प्रोसीजर क्या है ये बैलेट पेपर के अकॉर्डिंग ही बता रखे क्योंकि अभी हमने बैलेट पेपर ही देखा तो वोटिंग प्रोसीजन तब तो यही था कि एक वोटिंग जो है वो एक सीक्रेट बैलेट से होती थी पोलिंग स्टेशंस जो है उसको सेटअप किया जाता था एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लेते थे ये ज़्यादातर जैसे स्कूल हो गए ठीक है और कम्युनिटी हॉल्स हो गए ऐसी चीज़ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते थे ना उनके अंदर ये कंडक्ट कराए जाते थे एंड जो ऑफिशियल्स uh, थे उनको अपॉइंट किया जाता था ताकि जो इलेक्शन uh, का प्रोसेस है वो इजी ढंग से हो सके और दो किलोमीटर के अंदर uh, हर एक वोटर जो है दो किलोमीटर के, के अंदर जो है ऐसा पोलिंग स्टेशन बनाया जाता था, था कि दो किलोमीटर के बाहर ना वो उनको जाना पड़े उसके अंदर अंदर ही वो वोट डाल सके एंड जो है एक पोलिंग स्टेशन के अंदर ये देखते थे कि 1500 ही बंदे जो है वो वोट डाले इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है ईच पोलिंग स्टेशन जो था वो एटलीस्ट जो है अभी भी ये अभी भी है ठीक है तो ऐट आवर्स जो है वो खुला रहना चाहिए ईस्ट पोलिंग इज ओपन फॉर एट लीस्ट एट आवर्स ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन ठीक है उसके बाद ऑन एंट्रिंग द पोलिंग स्टेशन इलेक्टर इज चेक अगेंस्ट द इलेक्टर रोल एंड एलोकेटेड अ बैलेट पेपर उसको बैलेट पेपर दे दिया जाता था ठीक है इलेक्ट स्टोर वोट्स बाय मार्किंग द बैलेट पेपर विद अ रबर स्टैम्प और नियर सिंबल ऑफ़ द कैंडिडेट चॉइस एंड फिर उसको जो है इन साइड कंपार्टमेंट इन द पोलिंग स्टेशन और जो वोटर था देन फोर्ट्स द बैलेट पेपर बैलेट पेपर को फोल्ड करके वो उसमें बैलेट बॉक्स में डाल देता था और उसको फिर पूरी निगरानी में रखा जाता था प्रेसाइडिंग ऑफिसर के एंड पोलिंग एजेंट्स के ठीक है एंड जो फिर बाद में इसको बड़े ध्यान से ले जाया जाता था सबकी सुपरविज़न के अंदर लेकिन सिंस uh, 1998 जो है वो फिर इलेक्ट्रॉनिक uh, वोटिंग मशीन आ गई लेकिन जो 2003 के अंदर है ना सभी स्टेट्स ने फिर इलेक्ट्रिक ई uh, एम को ही ई को ही जो है वो स्टार्ट uh, कर दिया यूज़ करना एंड इनक्रेज बाय इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज़ को काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि इसी को यूज़ करेंगे फिर 2004 के अंदर जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो इसी का ही यूज़ किया गया एंड मोर देन वन मिलियन ई जो है वो यूज़ किए गए इस इलेक्शन के अंदर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसको देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर क्या चीज़ होती है ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ठीक है ये रिकॉर्ड करता है वोट्स को इसमें बैलेट पेपर नहीं होता है ठीक है इलेक्ट्रॉनिकली ही है ठीक है और जो पहले था उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है किस चीज़ में इसकी एडवांटेजेस क्या है वो एक एक करके देख लेते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है काउंटिंग जो है इसकी वो फास्ट हो गई है ठीक है इस सबसे बड़ी बात दूसरी बात कि पेपर जो है वो बचा इसमें तो इको फ्रेंडली है ज़्यादा ट्रीज पेपर किससे बनता है ट्रीज से तो ट्रीज का ज़्यादा यूज़ नहीं हो मतलब कि नहीं काटने पड़ते तीसरा हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो बैलेट पेपर को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता था ठीक है तो वो कॉस्ट भी इसमें खत्म हो गई ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं उसके बाद सुपरवाइजिंग इलेक्शन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सुपरवाइजिंग इलेक्शन तो जो इलेक्शन कमीशन है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स जो है वो आ, लगाते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर कैंपेन को फेयर एंड फ्री जो है अच्छे ढंग से जो है वो करवाया जा सके ठीक है इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो ऑब्जर्वर ही चेकआउट करते हैं कि कितने अमाउंट ये सब आ, होना चाहिए ठीक है एंड चेक ऑन द अमाउंट दैट ईच कैंडिडेट पार्टी स्पेंड ऑन द इलेक्शन ये सब कुछ ये देखते हैं फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स ये uh, जो है आफ्टर द पोलिंग हैज फिनिश जब सारे वोट डाल के चले जाते हैं तो ये काउंटिंग की जाती है उनकी सुपरविजन किसकी होती है उसके ऊपर काउंटिंग की रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर जो कि कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जब सब वोट वगैरह डल जाते हैं तो नेम सामने रखते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जो जीतता है उसके नाम जो है वो सामने रखता है और जो इलेक्शन है लोकसभा के वो किस के थ्रू किए जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम ठीक है जो कंट्री है वो सेपरेट हो जाता है इनटू द सेपरेट ग्राफिकल एरियाज एज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूएंसिस एंड द इलेक्ट्रल्स कैन कास्ट वन वोट ईच फोर अ कैंडिडेट द विनर बींग द कैंडिडेट हु गैट द मैक्सिमम वोट जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही बंदा फिर जीत जाता है उसके बाद आजकल तो नोटा का भी बटन दिया गया है अगर मान लीजिए आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं है तो आप नोटा का भी बटन दबा सकते हैं ठीक है थीके? तो ये राज्यसभा के प्रोसेस में लगाया गया था पहले उसके बाद इलेक्शंस टू स्टेट असेंबलीज भी उसी ढंग से होता है जैसे कि हमने uh, इसकी बात की है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया कवरेज इसको देख लेते हैं मीडिया कवरेज में ये आता है कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है ठीक है और इनको जो है वो स्पेशल पासिस दिए जाते हैं मीडिया लोगों को कि ये अंदर जाके मतलब uh, देख सकें एंड क्या स्थिति चल रही है कोई घपला वगैरह तो नहीं हो रहा ठीक है एंड सही ढंग से सब कुछ काम चल रहा है या नहीं तो इसलिए ये मीडिया कवरेज भी जरूरी है ठीक है उसके बाद ये लोगों से भी पूछते रहते हैं कि आपने किसको वोट दिया आपने लेकिन जो एक्चुअल वो होता है वो काउंटिंग के बेस पर ही सामने निकल गया आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्शन पटिशन ठीक है एनी कैंडिडेट अगर वो फाइल कर देता है एन इलेक्शन पटिशन अगर उसको लगे कि कोई माल प्रैक्टिस हुई है इलेक्शन सही ढंग से कंडक्ट नहीं हुए तो एन इलेक्शन पिटीशन इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिविल सूट बट ट्रीटेड एज अ कंटेस्ट इन विच द होल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इन्वॉल्वड ठीक है वो इंडिविजुअल नहीं रहेगा फिर होल कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी एंड इलेक्शन पिटिशंस जो है आर ट्राइड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन्वॉल्वड एंड इफ अपहेल्ड कैन इवन लीड टू रिस्टेटिंग ऑफ़ द इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोबारा भी करवाया जा सकता है फिर अगर लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ वगैरह हुई है तो दोबारा से भी कंडक्ट कराए जाते हैं फिर और ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि सिक्सटी वन जो है अमेंडमेंट एक्ट जो कि नाइन टीन के अंदर आया था उसने जो है वोटिंग राइट right 21 से 18 जो है वो शिफ्ट कर दिया था जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मेंबर्स थे वो इंक्रीज कर दिए थे पहले सिंगल मेंबर बॉडी का फिर थ्री मेम्बर बॉडी हो गया था मल्टी मेंबर बॉडी हो गया था अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में तो देखते रहिए मेरे वीडियोस थैंक यू वेरी मच